सभी भैया बहनों को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं कक्षा 8 हिंदी पाठ 7 भेड़ाघाट इसके रचनाकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो भेड़ाघाट सभी लोग जानते हैं कि जबलपुर के पास है। तो यहां पर पंडित जी ने बतलाया है, प्रकृति यहां एकांत बैठी निज रूप सवारती, प्रकृति यहां एकांत बैठी निज रूप सवारती। तो इसका तात्पर्य है, माखनलाल जी बोल रहे हैं कि जो प्रकृति है यहां पर साक्षात विराजमान है, अर्थात वो अपना श्रृंगार कर रही है। तो चतुर्वेदी जी कहते हैं शायद ये 1914 की बात है जब पहल भेड़ाघाट देखने का अवसर मिला। ये यहां पे बड़ा ही मार्मिक स्थल है। आप सभी लोगों से विनती है कि आप सभी भेड़ाघाट जाएं और वहां के दर्शन करें। तो पंडित जी बोल रहे हैं कि 1906 में जबलपुर में रहने तक ग्वारी घाट और तिलवाड़ा देख लिए थे, किंतु वह कीर्ति सुनकर भी भेड़ाघाट नहीं पहुंच सका। कुछ समय तो वहां भी रहे पर कीर्ति उनकी बहुत सुनी पर जाने का मौका ना मिल सका। कहते हैं एक दिन संस्कृत के एक दिग्गज लेखक है जो सम्राट विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से एक बताए जाते हैं, नींबू के एक झाड़ के नीचे अपना संस्कृत कोश लिख रहे थे और सुना यह गया है कि अपने शब्द कोश में लता और वृक्ष का वर्णन करते हुए वे नींबू का ही वर्णन करना भूल गए। बैठे नींबू के वृक्ष के पौधे के नीचे हैं, पर संस्कृत लेखन में उन्होंने अपने उस वृक्ष का वर्णन नहीं किया। तो यही स्थिति मेरी थी। तो माखनलाल जी बोलते हैं कि था तो मैं वहीं पर वहां पे जाना मैं भूल गया। भूला कैसे, सौभाग्य नहीं मिल पाया। भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर है। कितने मील दूर है? 13 मील। लगभग आधे घंटे में हम मीरगंज स्टेशन पर आ गए और उतर गए। उन दिनों यही गति बहुत तेज समझी जाती थी। आज के समय जैसे ट्रेनें तेज नहीं चलती थी। तो हम लोग आधे घंटे में 10-11 मील पहुंच गए। 2-3 अंग्रेज अपने खानसामे के साथ भेड़ाघाट ही जाने के लिए मीरगंज स्टेशन पर उतरे, किंतु जिस जगह कच्ची सड़क से राह चलने वाले को भी कभी कभी आकाश का शुक्र तारा भी अपना साथी मालूम होता है, अर्थात शुक्र तारे की दशा दिशा देखकर वो वहां पर चलने लगते थे। तो वैसे ही वे लोग मेरे साथी थे। शुक्र तारा अर्थात ना बोलना ना चलना, तारे से हम बोल नहीं सकते, तो उसी तरह वो अंग्रेज थे। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा हमारे समझ में नहीं आती है और हमारी भाषा उनको समझ में नहीं आती है। शरीर से तो हम एक दूसरे के कुछ ही दूरी पर थे, परंतु धारणा में लगता था कोसों दूर हैं, हजारों किलोमीटर दूर हैं। उन दिनों मैंने यह तो सुन रखा था कि भेड़ाघाट में नर्मदा के किनारे संगमरमर है, और किंतु मैं सौंदर्य बोध के कारण ही वहां जा रहा था। मैंने सुन तो रखा था कि नर्मदा के दोनों किनारों पर संगमरमर की चट्टानें हैं, पर मैंने देखा नहीं था, पर उसे ही देखने में वहां पर जा रहा था। यह कहना अत्यंत कठिन है। जिस तरह वैद्य या डॉक्टर के नुस्खे कई बार
कई वस्तुओं का मिश्रण ही है, उसी तरह मेरे मन में भेड़ाघाट के दर्शन की लालसा में कई भावनाओं का मिश्रण था। यूं तो नर्मदा से मेरी ममता होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं पढ़ा तो उसी के किनारे हूँ। मैं नर्मदा के किनारे ही हूँ, और इसके बावजूद मैंने नर्मदा और भेड़ाघाट के दर्शन नहीं किए। तो वैसे ही मुझे नदियां पसंद हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सन्यासी अपने सिर घुटाए वहां पर अपनी तपस्या में लीन रहते थे, और उसकी धार में घर घर शब्द जो उत्पन्न होता था तो वह बड़ा ही मनोरम अच्छा लगता था, और उनकी रेत बहुत ही बारीक और मुलायम थी। किसकी? मां नर्मदा की। घुटे हुए किनारे की नदियों के पास जब जब जाने को मिला लगा यह और मुलायम होती है, और जैसे वो घुटता जाता था वैसे ही उसकी स्थिति बड़ी ही मनोरम होती जा रही थी। इस श्लोक का पाठ होता है, बड़े बड़े स्टेशन हैं, बहुत रेलें आती हैं, तो यहां पर कई स्नानार्थी कई दर्शनार्थी प्रत्येक दिन आते हैं और मां नर्मदा की आरती वंदना करते हैं और पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। कहते हैं बैल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है, सो मुझे बीहड़ नर्मदा उसके प्रपात और उसका घर्षण ही प्यारा लगता था। कहते हैं कि खूंटे के बैल को मात्र वहीं पर अच्छा लगता है। यही कारण हो शायद कि मैं नर्मदा नदी के किनारे पला बढ़ा हूं तो मुझे ही यह अच्छा लगता। मेरी सोच थी, पर जब मैंने देखा कि विश्व के अनेक व्यक्ति यहां पर आते हैं इसके दर्शन करने, तो मुझे भी लगा कि हाँ, ये वास्तव में एक दर्शनीय स्थल है, यहाँ का जल प्रपात बड़ा ही अच्छा है। मैं तो आपसे भेड़ाघाट की बात करना चाहता हूँ ना। हाँ, अब भेड़ाघाट की ही बात करें तो नर्मदा अमरकंटक से निकली और ग्वारीघाट तिलवाड़ा देख चुका था। ये दोनों जबलपुर के निकट हैं, किंतु भेड़ाघाट नहीं देखा। कहते हैं 800 मील बहने वाली नर्मदा अमरकंटक से 154 मील ही चल पाई थी कि भेड़ाघाट आ गया। तो जबलपुर से भेड़ाघाट 800 मील है नर्मदा चली, मुर्की से नर्मदा चली और लोकेश्वर की ओर बही। यहाँ बीचों बीच भेड़ाघाट है। कहते हैं यहाँ किसी युग में भृगु ऋषि तपस्या करते थे। कौन ऋषि? ऋषि भृगु। चट्टानों के निर्मल और सुंदर स्वरूप को देखकर ऐसा लगता था मानो आज भी वे यहाँ पर तपस्या में रत हो, लीन हो। नदी के पानी में खड़ी विशाल चट्टाने छोटे तृणों के लिए सर्दी गर्मी और बरसात सह रही थी। काटने से कट भले ही जाए किंतु झुकना नहीं जानती। तो कट तो जाएंगी पर झुक नहीं पाती, अपना क्रम नहीं रुकने देती, अपनी उज्ज्वलता मंद नहीं होने देती। चांद आता है, चांदी सी अपनी चांदनी चमका जाता है, सूरज जाता है तो वह इसको तपाता है। हाँ, जब बरसात आती है तब घना अंधकार आ जाता है, और जब भी वे अपनी उज्जवलता और अपनी पवित्रता होने को तैयार नहीं होती। इन सबको तपस्या न कहें तो क्या कहें हम, बताइए। बरसात आती है, घने बादल काले आ जाते हैं, धूप आती है, तपती है, चंद्रमा आता है, अपनी चांदनी बिखेर देता। जब चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता है तो वहां का दृश्य बड़ा ही मनोरम हो जाता है। इसी के बाद आगे का
अगले वीडियो में बतलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।